सारे पटाखे भी है और ये छोटे 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 बॉम्ब से तो बहुत जोर से फटते और मुझे बहुत पसंद है। मुझे पसंद नहीं है राज, मुझे छोटे मोटे पटाखों से बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए पूरा बैग खोल लो, ये 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 देखो ना, और ये कलर पेंसिल, और ये 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 ये, अरे ये फूल जड़ियां, ये लो पकड़ो, और ये खेलना है दिलाई गरम, ये भी है, और मेरे बाबा रानी मुखर्जी वाली, ये भी है नागिन वाली। हाँ तुमने तो आज मुझे पुरानी यादों की ताजा कर दी। संजना, मैंने दिवाली का सारा अरेंजमेंट कर दिया, क्या ना हम लोग इस बार साफ दिवाली मनाएंगे, क्या बताएं? ये पल का भी घरायना है, क्या ना आज तक मैंने दिवाली हमेशा अकेले ही मनाया, लेकिन इस बार इट्स गोइंग टू बी डबल सेलिब्रेशन, स्पेशल ओकेजन, इस बार तुम और मैं धूमधाम से दिवाली मनाएं, क्या बता आने वाला पल मिले ना मिले, मेरा मतलब है कल हो ना हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों? तुम्हें क्या लगता कि दिवाली के बाद मैं सुसाइड कर लूंगी? For your kind information, मैंने सुसाइड करने का फैसला अपने दिल से निकाल दिया है। Really? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्ती का साथ कभी नहीं खोने दूंगी। अब तुम देखो, अब हमारी जिंदगी में जितने भी खुशियों के मौके आएंगे ना, उन्हें हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। Really? Promise? संजना, इस वक्त विशाल को तुम्हारी जरूरत है और तुम भी तो विशाल को अपने दिल से निकाल नहीं पाई हो। संजना, अब तुम राज के साथ नहीं, विशाल के साथ जिंदगी के हर पल का जश्न मनाओगी।
कुछ तेज हवाओं ने मेरी जिंदगी में अंधेरा भर दिया, लेकिन इस अंधेरे को हटाकर अपनी जिंदगी में रोशनी वापस लाना मुझे बखूबी आता है।